ले जी, मज़ेदार सा केले बादाम का शेक तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार और यमी है, आप भी ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे जी। और रमजान का महीना, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम और करम फरमाए अपना, आमीन। आज के इफ्तार मेन्यू में हमने रखा है तवानाई से भरपूर केले और बादाम का शेक। रिफ्रेशिंग है, एनर्जेटिक है, तवानाई को बहाल करता है। इफ्तारी के बाद आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। चले अब आपको ले चलते हैं, ये बनता कैसे है। केले और बादाम के शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम बादाम। ये बादाम हमने फुल नाइट भिगो के रखे थे, इसका छिलका उतार दिया। ये सबसे पहले हम डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम बादाम की पेस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट स्टेप फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम इसकी पेस्ट बनाते हैं। अब हम इसकी पेस्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले बादाम हमारे क्रश हो गए हैं, आपको दिखाते हैं। नहीं जी, बादाम हमारे क्रश हो गए हैं सारे। अब हम बाकी चीज़ें भी इसमें वन बाय वन करके डालते हैं। सबसे पहले हम ये केले डालेंगे, ये हैं 4 अदद केले हैं, छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिए हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके बाद हम इसमें ये क्रीम शामिल करेंगे, फ्रेश क्रीम है, ये 100 ml क्रीम है, ये हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। इसके बाद हम इसमें ये स्वीट कंडस्ट मिल्क है, ये शामिल करेंगे, ये 50 ml है, बिस्मिल्लाह। स्वीट कंडस्ट मिल्क शामिल करने का मकसद ये होता है, इससे जो शेक का टेस्ट है ना वो डिफरेंट और यमी हो जाता है। इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे 2 tablespoons, बिस्मिल्लाह। लास्ट में हम इसमें 250 ml दूध शामिल करेंगे, फ्रेश दूध आपने यूज़ करना है, डब्बे का हम यूज़ ना करें क्योंकि वो दूध तो होता नहीं, वो वाइटनर होता है, दूध नहीं होता, फ्रेश दूध इस्तेमाल करें। 250 ml हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, बिस्मिल्लाह। अब हम अपना शेक तैयार करते हैं, अब हम अपना शेक तैयार करते हैं, बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें आइस क्यूब शामिल करते हैं, क्योंकि शेक हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है, तो इसमें अब हम थोड़ी सी आइस डालेंगे, थोड़े आइस क्यूब शामिल इसलिए करें क्योंकि दूध भी हमारा ठंडा था। अब थोड़े से हम इसमें आइस क्यूब शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, केले बादाम का शेक तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे, शेक को ग्लास में सर्व करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब थोड़ा सा इस पर हम कोको पाउडर डालते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लें जी, मज़ेदार सा केले बादाम का शेक तैयार हो गया, बहुत मज़ेदार और यमी है, आप भी ट्राई कीजिए। लेकिन मज़ेदार सा एनर्जी से भरपूर केले और बादाम का शेक तैयार हो गया, अफ्तारी में हमने पिया है, एनर्जी वाकई बहाल हुई है। हाँ जी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी भी कैसी लगी। बिल्कुल, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और ये भी बताएं कि हम मज़ीद आपके लिए किस किस्म की रेसिपी लेके आएँ, क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ईद आ रही है, तो ईद के हवाले से भी हम चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएँ। हाँ, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, और ख़ास तौर पे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें, ख़ास तौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।